ये बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी, गुलामी में ही जियोगे न कुछ कर पाएंगे गांधी। हाँ। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से, दूध बाजार का पीते रहे पर भैंस ना बांधी। अच्छा डॉक्टर कुमार विश्वास यहाँ बैठे हैं, उनको वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। हाँ। पीछे जवान बैठा हुआ है। हाँ। अच्छा जवान तो जवान है, इतनी जोश की कविता पढ़ रहे थे, डर मुझे लग रहा था कहीं पीछे से मुझ में गोली न मार दे। तो मैं इस तरह का कुछ लिखता विखता हूँ नहीं। हाँ। बहुत समय बाद हम मिल रहे हैं, कोरोना काल निकल के गया, कितना बुरा समय था साहब, दो दो लॉकडाउन हमने झेले। हाँ। पहला लॉकडाउन याद करो आप, कितने डरे हुए थे, सर्फ के पैकेट को सर्फ से धो रहे थे। अपनी ही बीवी के साथ घर में बंद थे। हाँ। अपनी ही घरवाली की शकल देखनी पड़ रही थी। हाँ। ब्यूटी पार्लर तक बंद थे। बाद में सरकार को थोड़ी सी दया आई। हाँ। तो उसने शराब के ठेके खुलवा दिए, जिसको पी करके चुड़ैल भी सुंदर दिखाई दे। बहुत अच्छे। मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ आपको भैया, वो मेरी पत्नी, लॉकडाउन लगा हुआ बाहर, पुलिस जिनकी ये बार बार प्रशंसा कर रहे हैं, वर्दियों को प्रणाम, उस समय वर्दी जो प्रणाम कर रही थी हमें, जो लठ बजा रही थी, मेरी पत्नी बोली मेरी लिपस्टिक खत्म हो गई है, जरा मेरी सहेली के घर से एक लिपस्टिक ले आओ। मैंने कहा तेरे जरा से होठ लाल करने के चक्कर में पुलिस मेरा क्या क्या लाल करेगी। उन विषम परिस्थितियों से हम निकले हैं। मैं आपको थोड़ी देर आपका मन लगाना चाहता हूँ, मैं कविता विता में ज्यादा जानता नहीं हूँ। डॉक्टर कुमार विश्वास यहाँ बैठे हुए हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं, मुझे बहुत प्रेम करते हैं। हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए। अच्छा, इसमें हंसने की क्या बात है। हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए, वो बात अलग है कि जवान होगा और मैं इकट्ठा। सच में बहुत प्रेम करते हैं, तमाम देशों की यात्राएं मैंने इनके साथ की हैं, और वही प्रेम है मेरा और इनका आजकल जो इनका केजरीवाल के साथ चल रहा है। अच्छा विदेश ले जाते हैं मुझे, ऐसा नहीं कि प्रेम करते हैं इसलिए ले जाते हैं, इज्जत बचा के मैं ही लाता हूँ। जैसे ये बाहर निकलते हैं लोग, भाई ज्ञान और कविता तो बाद में सुनेगा। हाँ। पहले इनकी कद काठी को देखता है। हाँ। तो बाहर के विदेशी लोग सोचते हैं भारत में भुखमरी है। बाद में मैं निकलता हूं तो समझ जाते हैं क्यों है। अरे सच बता रहा हूं मैं, इनके साथ VIP व्यवस्थाएं मिल जाती है भाई, कमांडो वमांडो आ जाते हैं, और अब तो आपको पता ही है वाई प्लस की सुरक्षा इनको मिली हुई है, तो वो आ जाते हैं, और उनके साथ में मुझे भी मिलती है, घेरा बनाओ भीड़ से बचाने के लिए, घेरा बनाओ घेरा बनाओ घेरा बनाओ। मैंने कहा भैया इनका बनाओ, मेरा तो बना हुआ है। अद्भुत प्रेम की कविताएं इन्होंने लिखी, पूरी देश और दुनिया ने गाई। हम सब लोग गूगल पर सर्च करते हैं, गूगल इन्हें सर्च करता है, गूगल हेडक्वार्टर तक इनको सुना और बुलाया गया। चहलबाजी कितनी भी करना है, पर एक बात बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं मैं, डॉक्टर कुमार विश्वास हिंदी कविता का वो कोहिनूर है जिसकी चमक में हम जैसे कंकड़ पत्थर भी कवि हो गए। क्या बात है, वाह वाह। उन्होंने मुक्तक लिखे, प्रेम प्यार की कविताएं लिखी, लेकिन मेरा मानना यह प्रेम प्यार की जो कविताएं हैं वो कोई खास बात है नहीं, ये कॉलेज टाइम में जो कुछ हरकतें की गई होती हैं उसका काव्यानुवाद है। कॉलेज तो मैं भी जाता था, बहुत अच्छे, लेकिन मैं पढ़ने जाता था, बहुत अच्छे। प्रयास मैंने भी किए कि कोई प्रेमिका हो सकता है इनको दिखी हो प्रेमिका की नीली नीली आंखें, तो वैसा लिख दिया, मुझे तो उसके बाप की लाल पीली पहले ही दिख गई थी। बहुत अच्छे। प्रयास मैंने भी किए, ऐसा नहीं कि प्रेम में जैसा ये बताते हैं सब कुछ ठीक ठाक चलता है, प्रेम में कभी परिणाम दूसरी तरह के भी आते हैं। युवा पीढ़ी के लोग यहाँ बैठे हैं, आनंद लीजिएगा, अखियां लड़ गईं। क्या बात, अरे परिणाम सुनो पहले। अच्छा, अखियां लड़ गई, एक पल्ले पड़ गई, बात बढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई, मेरी जिंदगी में एक कहानी और गढ़ गई, इजहार किया तो तीन चार जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में जड़ गई। वाह।
अर्जुन भाई मैं आपसे सच्ची बता रहा हूँ, ये भी कोई जोक नहीं है पुराना। आप जब आप कविता पढ़ रहे थे ना, मैं नीचे चला गया था। तो ये कह रहे थे कि वो फांसी लगवा दो, वहीं पे क्या लाइन थी वो भाई साहब? अभी हरियाणा के लोग हैं, आप में से बहुत से सुधी श्रोता होंगे, पर हरियाणा के कैसे होते हैं, बहुत सीधी सीधी बात कहते हैं। बोले भाई ये हमसे फांसी लगवाना क्यों चाहता है, ये खुद क्यों नहीं लगा देता, खुद जल्लाद सा लग रहा है। ये कवियों के चक्कर में आप पढ़ना मत। हाँ, क्यों क्यों इनकी भावुकता के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होता, कोई तर्क पर कभी, बहुत से कवि ऐसे आ गए साहब जिन पर कोई तर्क नहीं होता। एक कवि कहता, इन्होंने भी एक लाइन मिलाए थे इंच इंच, एक कहता था पाकिस्तान तेरी छाती पर इंच इंच पर तिरंगा गाड़ लेंगे। मैंने कहा भाई इसमें थोड़ा गैप कर ले। भाई इंच इंच गाड़ने के लिए निकलेगा कहां से, थोड़ी जगह तो छोड़ो। होता कुछ नहीं, कई लोग आते हैं साहब बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, चिल्ला के सुना देते हैं, आप डर के मारे ताली बजाते हो। पिछले दिनों एक कवि को सुनता था, बात कुछ नहीं थी, तालियां बजती थी। वो कहता था अंधकार के घोर तिमिर में, अंधकार के घोर तिमिर में। अर्जुन भाई सुनिए, आपने महाभारत में बहुत शानदार भाषाएं बोली, आज आप कोने पे बैठे हैं। सच में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, भीलल्ली टूटी वो पिघला भाई, अर्जुन भाई इस बार बढ़िया बात है। लेकिन आप इनके लिए एक बार ताली बजा दीजिए और आयोजकों के लिए ताली बजा दीजिए, इन्होंने इस मंच से इससे बड़ी एकता कहां मिल सकती है जहां फिरोज अर्जुन बनते हो और इस मंच पर हो हिंदी के कवि। एक बार जरा तालियां वालियां आप बजा दीजिए। बढ़िया, मैं बड़ी करता हूं, मान नहीं रहे। मैं एक दो व्यंग छणिकाओं से आपको जोड़ना चाहता हूं। जिस तरह की कविताएं मैं लिखता हूं, समय की अपनी सीमाएं हैं, तमाम समस्याएं देश में हैं और देश की क्या एक विश्व की बड़ी समस्या है रोजगार की, उसे रेखांकित करना चाहता हूं। सेना की भर्ती की लाइन में खड़े एक बूढ़े को देखकर, वाह, सेना की भर्ती की लाइन में खड़े एक बूढ़े को देखकर ऑफिसर गरमाया, उसने बूढ़े से कुछ इस तरह फरमाया, बुढ़े शमशान प्रतीक्षा कर रहा है और तू सेना में भर्ती हो रहा है, क्या दिमाग में कीड़े पड़े हैं? तो बूढ़े का जवाब था, नंबर आते आते बूढ़े हुए तो हम क्या करें, लाइन में तो जवानी से खड़े हैं। वाह वाह वाह, आप तक पहुंची, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने जो मुक्तक लिखे, मैंने कुछ तुक्तक लिखे हैं। अच्छा, एक दो तुक्तक मैं आपको सुनाना चाहता हूं, उसके बाद एक छोटी सी कविता। डॉक्टर कुमार विश्वास ने लिखा, मोहब्बत सिर्फ एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था कभी मीरा दीवानी है। मैंने कहा करके देखो तब पता लगेगी मोहब्बत है क्या। आनंद लीजिएगा जी। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है। वाह, देख रहा हूं काफी लुटे पुटे भी बैठे हैं। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है, कभी पिक्चर दिखानी है कभी साड़ी दिलानी है। वाह, मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे, मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे, उसे समझाऊं मैं कैसे, मुझे छोरी पटानी है। वाह अच्छे, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, और मैं देख रहा हूं बहुत से लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग जोड़े से आए हैं और हंस भी रहे हैं। तुम अकेले हो तो तुम ज्ञान ले लो। जो अकेले भाई जिनकी हो गई उनका तो मैं कर क्या सकता हूं, पर जो बचे हुए हैं उन्हें ज्ञान देना चाहता हूं। अच्छा, जैसे विवाहित महिला की पहचान होती है कि उसके गले में मंगलसूत्र यहां तक लटका होता है, विवाहित पुरुष की भी पहचान होती है उसकी गर्दन यहां तक लटकी होती है। अब जो बचे हुए हैं वो आनंद लीजिएगा इन चार पंक्तियों पे। ये बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी, ये बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी, गुलामी में ही जियोगे न कुछ कर पाएंगे गांधी। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से, अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से,
दूध बाजार का पीते रहे पर भैंस ना बांधी।